रायबरेली से भी कांग्रेस का पत्ता होगा साफ। सोनिया गांधी को भेजा जाएगा राज्यसभा। क्या रायबरेली में होगी प्रियंका की एंट्री? लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का समय रह गया है। कहा जा रहा है कि मध्य मार्च तक इलेक्शन कमीशन चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव को लेकर पार्टियों का सियासी गुड़ागड़ित भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस बार 400 का नारा दिया है, तो वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर लोगों में अपनी छवि को चमकाने की जुगत में जुटी हुई है। इस बीच कहा जा रहा है कि लोकसभा सीटों के लिहाज से देश में सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी कांग्रेस का पत्ता साफ हो सकता है। कांग्रेस की विरासत वाली सीट मानी जाने वाली रायबरेली से सोनिया गांधी चुनावी मैदान में नहीं जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बात की भी चर्चा तेज है कि सोनिया गांधी राज्यसभा का रुख कर सकती हैं और उनकी जगह पार्टी रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतार सकती है। दरअसल बीते दिनों हिमाचल कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को ऑफर दिया था कि वह चाहें तो हिमाचल से राज्यसभा जा सकती हैं और इसके लिए उन्हें खुशी भी होगी। पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी में इस बात पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि सोनिया गांधी को स्वास्थ्य के चलते रायबरेली के चुनावी मैदान में जाना सही नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी करना होगा, जो कि उनके लिए मुश्किल भरा रह सकता है। रायबरेली सीट कांग्रेस की विरासत वाली सीट मानी जाती रही है। यहां हमेशा ही गांधी परिवार का ही दबदबा रहा है। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, शीला कौल और अरुण नेहरू जैसे लोग इस सीट से सांसद रहे हैं। ये सभी लोग गांधी परिवार के सदस्य रहे हैं या फिर उनके रिश्तेदार। बता दें कि सोनिया गांधी फिलहाल रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं। वहीं बात करें प्रियंका गांधी की, तो वो अब तक संसद की सदस्य नहीं हैं, ना ही कभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव ही लड़ा है और ना ही वे राज्यसभा के लिए नामित हुई हैं। कुछ दिनों पहले हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से सवाल किया गया था कि क्या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को हिमाचल से राज्यसभा भेजा जाएगा। इस पर उन्होंने कहा था कि इसको लेकर उन दोनों से चर्चा की जाएगी, अगर वे चाहेंगी तो उन्हें हिमाचल से राज्यसभा भेजा जा सकता है। बता दें कि देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है और इसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके लिए 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। वहीं 20 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस बार के राज्यसभा चुनाव को काफ़ी अहम माना जा रहा है और जिसकी वजह है देश में कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस हिमाचल से प्रियंका या सोनिया किसे राज्यसभा का मेहमान बनाती है और किसे रायबरेली के चुनावी मैदान में उतारती है। कांग्रेस की अमेठी की विरासत वाली सीट पहले ही छिन चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।